अस्सलाम वालेकुम जी। लवारी टॉप जाना है, यही रास्ता है। बाइक लोड हो रहा है तुसी भाई का साथ खुद भी लोड हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग फ्रॉम दीर। और अभी हम लोग दीर में हैं, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन रात हो गई थी, तो यहीं पे स्टे किया, यहीं पे खाना शाना खा के हम लोग सो गए थे और बड़ी मज़े की नींद की है। सुकून में है बिल्कुल अभी, और फ्रेश उठे हैं आज और उठे भी थोड़ा सा लेट हैं और गए हैं नाश्ता वगैरह किया है। तो यहाँ का दीर का बाज़ार काफ़ी बड़ा है क्योंकि यहाँ पे आसपास के इलाके लगते हैं, तो लोग यहाँ से ख़रीदारी वगैरह करने आते हैं। आज हमारा सफ़र सिर्फ 100 किलोमीटर है, यहाँ से हमने जाना है कैलाश वैली, तो तकरीबन 3 घंटे का है फिर भी, क्योंकि रास्ते में आएगी लवारी टनल, वो हमें क्रॉस करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी हमने दीर से अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया आगे चित्राल जाने के लिए। बड़े ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत नज़ारे साथ साथ स्टार्ट हो गए हैं, ये देखें कितनी प्यारी ग्रीनरी है यहाँ पे। अभी आज का सफ़र हमारा बहुत इंजॉय वाला होगा इंशाल्लाह, तो क्योंकि सफ़र सिर्फ 100 किलोमीटर है और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इंजॉय करते जाएंगे। मौसम थोड़ा सा गर्म है, जैसा कि धूप, लेकिन चुभने वाली धूप नहीं है, लेकिन गर्मी तो है क्योंकि धूप निकली हुई है। बाइक में तकरीबन पेट्रोल 1/4 तो है, 1/4 टैंक, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं यहीं से फुल करवा लेंगे आगे। वैसे चित्राल में वो भाई होटल वाले बता रहे थे कि आपको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा पेट्रोल, और है भी काफ़ी पंप ना वहाँ पे, लेकिन हम लोग अपना एहतियातन यहीं से फुल करवा लेंगे। वहाँ से जिस दिन हम लोग आगे निकलेंगे तो करवाएँगे फुल वहाँ से। फुल कर दे, अच्छा तो डालोगे पता चल जाएगा ना, हमने फुल करानी है। ज़ीरो करो इसको, डाल। 2450 का जी डला है मेरे बाइक में। जैसे ही हम लोग निकले हैं दीर से, आहिस्ता आहिस्ता हाइट गेन होना शुरू हो गई है और ये कर्ब्स आ रहे हैं, छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, बड़े मज़े के नज़ारे हैं इस साइड पे। और बच्चे जो हैं वो स्कूल से छुट्टी करके घरों को जा रहे हैं, टाइम तकरीबन 1:45 हो रहे हैं। लवारी टनल से गुज़रने नहीं देते वो आपको, कैरी के ऊपर बाइक रख के, सिर्फ बाइक्स वालों को। वैसे तो गाड़ियाँ तो गुज़र रही हैं, लेकिन वहाँ से बाइक्स वालों को, क्योंकि वो कह रहे थे कि लास्ट ईयर्स में कुछ एक्सीडेंट हुए हैं बाइक्स वालों के उसके अंदर। वो 10 किलोमीटर की टनल है, तो अंदर जो है ना बाइक्स वालों को जाने की इजाज़त नहीं है, इसी वजह से कि वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, थोड़ी सी वो नैरो है इस वजह से। तो फिर वो कैरी के ऊपर रख के, जो छोटी कैरियाँ चलती हैं वहाँ से डाला टाइप, उसके अंदर लोड करके बाइक, तो वो टनल की दूसरी साइड पर छोड़ के आते हैं। वो भी एक मज़े का एक्सपीरियंस होगा, वो भी आपको दिखाऊंगा साथ साथ। टनल इसलिए बनाई है कि अक्सर ही वहाँ पे स्नो की वजह से वो बंद हो जाती थी 5-6 महीने के लिए, और चित्राल का रास्ता बंद हो जाता था, पाकिस्तान से रابطہ मुनक़ता हो जाता था, तो लिहाजा फिर उन्होंने एक टनल बनाई है लंबी पहाड़ों के बीच में से। 10 किलोमीटर उसकी लेंथ है। अच्छा जी, कह रहे हैं एंट्री करा लें। ये लवारी टनल से जाने देंगे या टॉप से जा सकते हैं? टॉप से भी जा सकते हैं और टनल पे नहीं चढ़ते। बाइक वालों को गाड़ी में लेकर जाएंगे, तो अगर ऊपर से चले जाएं हम लोग तो रास्ता ठीक नहीं है। अच्छा, ये आ गई है जी लवारी टनल। कुछ फॉरनर हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, लवारी टॉप जाना है, यही रास्ता है? अच्छा, चित्राल जाते हैं? वो पीछे बंदा कह रहा था खुला हुआ है। नहीं नहीं, खुला नहीं। अच्छा, बर्फ पड़ा हुआ है।
वापस आना पड़ेगा आपको, बंद है ऊपर वाला रास्ता, बंद हो गया जी जी जी। अच्छा पीछे वो चौकी पे कह रहे थे कि ठीक है जा सकते हैं, थोड़ा खराब नहीं सर, बर्फ़ पड़ा हुआ है उधर, वो जो नाले नहीं होते उसमें बर्फ़ पड़ा हुआ है, बाकी खाली है। लेकिन ये गाड़ी कहाँ से आ रही है वो जो? ये तो इधर नजदीक गांव है ऊपर, फिर आपको मुश्किल होंगे इसलिए। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं जा सकते बाइक पर? क्या है सर ये बहुत लंबा है यार, 8.5 किलोमीटर है। हो गया वो, हम 1000 किलोमीटर करके हैं, 1500 किलोमीटर वो आता आप खुले रास्ते में, इतनी बड़ी टनल में कभी गुजरे हो? सीजन की कमी है इसमें इस वजह से। और बाकी इस साइड को रास्ता जो जा रहा है ये है जी लवारी टॉप का, लेकिन वो कह रहे हैं कि बंद है और ऊपर बर्फ़ है, तो इस वजह से तो हमें टनल के बीच में से जाना पड़ेगा और जाना भी बाइक लोड करके पड़ेगा। बाइक लोड हो रहा है तुसी भाई का साथ खुद भी लोड हो गए सामान अड़ेगा ऊपर से, उस पे दोनों आ जाएंगे। फाइनली जी हमारे बाइक बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर ही लोड हो गए हैं, और मूड तो हमारा जाने का था टॉप के ऊपर से, लेकिन वो टॉप आप देख रहे हैं वहाँ पे बर्फ़ है इस टाइम, तो वो कह रहे हैं कि रास्ता बंद होगा। अभी सफाई का काम स्टार्ट किया है उन्होंने, अभी ये ऐसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे। अपनी बाइक जो है वो गाड़ी पे लोड कर ली है और उसके ऊपर बैठ गए, तो अभी वो कह रहे हैं कि आप हेलमेट भी पहन लो आगे हवा लगेगी, तो अभी अल्लाह खैर करे सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है तो अभी हम लोग तकरीबन पहुंच गए हैं आयून, आयून यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग यहाँ से टर्न लेंगे जो हमें बता रहा है मैप कि हम लोग कैलाश वैली की तरफ मुड़ जाएंगे। यहीं से है मेरा ख्याल है कोई टर्न, ये देखें यहाँ पर रश लगा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग मुड़ेंगे। ये रोड जा रहा है जी कैलाश वैली, और चिलम जोशी फेस्टिवल यहाँ से 18 किलोमीटर है जी कैलाश वैली, और इसी तरह का गंदा सा रोड होगा। टूरिस्ट की गाड़ियाँ भी आ रही हैं, कुछ बाइकर भी आ रहे हैं, वहाँ पे भी खड़े थे बाइकर, तो हम लोग रुके इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने जल्दी पहुँचना है और कैंप के लिए कुछ जगह देखनी है, कि आज का हमारा मूड जो है वो कैंपिंग करने का है। कल का दिन हम लोग रेस्ट करेंगे और इनका इवेंट देखेंगे चिलम जोशी का, कि उसमें क्या करते हैं ये लोग। गांव स्टार्ट हो गया, एक हम गांव के अंदर से गुजर रहे हैं, और ट्रैफिक भी यहां से काफ़ी आ रही है, ये कितनी नैरो है जहां से कि बाइक मुश्किल गुजरेगा, गाड़ी तो गुज़र नहीं सकती, वेट करना पड़ेगा। तकरीबन हम लोगों ने जहां से मेन रोड से उतरे हैं तो 7 किलोमीटर किया, अभी 11 किलोमीटर्स मैप बता रहा है और 50 मिनट्स रिक्वायर है हमें, और टाइम हो रहा है तकरीबन, एक मिनट टाइम देखते हैं,
टाइम 6 बजने वाले हैं, 6 बजने में 3 मिनट हैं अभी। तो इंशाल्लाह हम लोग 7 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे, अगर ज़्यादा भी देर लगी तो। उम्मीद तो है कि उससे पहले ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज शुक्र है ट्रैफिक नहीं है इस टाइम। ये देखें, वरना इस रोड के ऊपर क्रॉसिंग अगर पड़ जाए गाड़ियों की तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा। इसी वजह से जगह जगह उन्होंने पुलिस वाले भी खड़े किए हैं, ट्रैफिक पुलिस जो इन चीज़ों को हैंडल कर रही है। तो जी अभी हम लोग बम्बू रीत गाँव की तरफ मुड़ चुके हैं, तकरीबन 3 किलोमीटर हमने सफ़र तय कर लिया। ये टोटल ऑफ रोड है टोटल, और गाड़ी पे आप लोग आ सकते हैं लेकिन बहुत एहतियात से चलानी पड़ेगी। और बाइक हम लोग बड़े एहतियात से चला रहे हैं, पहले दूसरे गियर में ही चल रहा है, तो क्योंकि चढ़ाइयाँ और पत्थर हैं ऊपर ना, तो फिर चढ़ाई पर आराम से ही लेके जाते हैं। तो साथ साथ इनके छोटे छोटे गांव तो गुजर रहे हैं, लेकिन जो मेन गांव हैं इनके वो बम्बोरीत और रंबूर, ये दो हैं। और एक पीछे हम लोग तीसरा गांव जो है वो पीछे हम लोग छोड़ आए हैं, आयून। तो ये तीन बेसिकली गांव हैं कैलाशियों के, जहां पे ये मेला लगता है और इनकी ज़्यादा रिहाइश है। तो बम्बोरीत में मेला लगा हुआ है चिलम जोशी, हम लोग वहीं जा रहे हैं और वहीं स्टे करेंगे। सबसे ज़्यादा हवा वहीं पे होती है। हमें आइडिया नहीं था कि ये इतना ऑफ रोड हो जाएगा आज, लेकिन एक चीज़ मेरे माइंड में थी जो कि मैप बता रहा था, सिर्फ 18 किलोमीटर और 1.5 घंटा। तो वाकई 1.5 घंटा तकरीबन हमें लग गया ये 18 किलोमीटर में। ये जगह जगह पे ट्रैफिक वार्डन टाइप खड़े हैं, तो ये ट्रैफिक की रवानी के लिए कहीं भी क्रॉसिंग पड़ जाए तो फिर ट्रैफिक वहाँ पे डिस्टर्ब होती है, उसको ठीक करने के लिए। ये फ़ायदा है बाइक का, गाड़ी होती तो अभी खड़े होते, पीछे खड़े होते उसको। इनकी लेडीज आ रही हैं मेले से, यहाँ पे इनकी शॉप्स हैं। ये हम लोग बिल्कुल पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, थोड़ा सा ही आगे है बिल्कुल, और यहाँ से इनका स्टार्ट हो गया है एरिया। ये देखे गेस्ट हाउस है कोई। तो हम लोग पहुँच चुके हैं इस टाइम कैलाश वैली में, और तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया हमें यहाँ पे। हम लोगों ने आके कैंप लगवा लिया है ये देखें, और अभी हमारा सामान वगैरह सारा अंदर है। यहाँ से हम लोग रेडी शेडी होके जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। और ये सारी पीछे आपको नज़र आ रही होगी कैंपिंग साइट है, इनके अपने भी कैंप्स लगे हुए हैं। अभी अंधेरा है शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो खैर इस साइड पे होटल्स है। इन दिनों में चिलम जोशी का इवेंट चल रहा है, जिस वजह से रूम्स बहुत महंगे हैं। 10 से 12 हज़ार का रूम है, और ये टेंट वाले एक भाई से हमने पूछा है तो वो कह रहे हैं 3 हज़ार का हमने टेंट लिया। हमें सिर्फ यहाँ पे टेंट लगाने के और बाइक्स की सिक्योरिटी के 1000 रुपये पे करना पड़ा है, तो वो हमें नॉर्मल लगा है, मुनासिब है, ठीक है। ऐसे ही है जो सर, बिल्कुल मुनासिब, उससे मुनासिब कुछ है नहीं। हमारे बैग्स वगैरह अभी अंदर आ गए हैं, उनको आके सेट करते हैं। फ़िलहाल भूख बहुत लगी हुई है तो कुछ खाने को चलते हैं पहले। अभी रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और हम लोग अपने टेंट में हैं। तो अभी हम लोग खाना शाना खा के, खाना यहाँ पर बिल्कुल भी मज़े का नहीं था, और खाने में ही दो चॉइसें थी, या चिकन कढ़ाई थी या लोबिया था। तो हमने सोचा पहले लोबिया ट्राई करते हैं, अगर अच्छा हुआ तो फिर चिकन भी मंगवा लेंगे। तो लोबिया इतना फजूल लगा, बिल्कुल भी टेस्ट वाइज अच्छा नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा एक एक रोटी खाई है, और फिर हम लोग नीचे चले गए। हमने कहा यहाँ से पता करते हैं कहीं और से कोई अच्छी जगह मिल जाएगी खाने की, लेकिन वहाँ भी वैसा ही खाना था, खाना यहाँ का बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखें हेलमेट शेलमेट यहाँ रख दिया है अपना, तो ये बिस्तर है हमारे, जैकेट शैकेट भी उतार के रख दी है। तो इंशाल्लाह सुबह इनका जो है चिलम जोशी फेस्टिवल का मेन डे है सुबह, तो आपको वो दिखाएंगे सारा।
आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।